हाई एंड वेलकम टू दाई प्रीच द स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी लेट एस स्टार्ट वॉट इज कमिंग फॉर यू गाइज साज एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा सो प्लीज़ जितना रेजनेट करें उतना ही लेना जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा लेट्स सी लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज कैरिंग कनेक्शन नंबर फोर्टीन सो नंबर फोर नंबर वन नंबर फाइव नंबर थ्री ये कुछ डेट uh, है या ये कुछ नंबर्स uh, है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए नाउ वट आई मीन शोन हियर इज दैट आपके साथ आपके लाइफ में कुछ इमोशनल बॉन्ड आप बनाने वाले हो अब ये जो इमोशनल बॉन्ड है ये कोई नया फ्रेंडशिप हो सकता है ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है या ये आप और किसी एनिमल के बीच का बॉन्ड हो सकता है कि आपको कोई एनिमल दिख जाए यान आपको उस पर बहुत प्यार आए आपको बहुत कम्पेशन कम्पेशन काइंडनेस महसूस हो uh, एनिमल के लिए में भी यू नो या ये कोई इंसान के लिए भी हो सकता है सो देर इज़ अ इमोशनल बॉन्ड जो इस टाइम पे आप क्रिएट करने वाले हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि आप सोशलाइज करें आप लोगों के बीच में रहें आप लोगों से बात करें एंड uh, चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कोई भी आइडिया जो आपके दिमाग में है या कुछ भी जो आप यू uh, नो you know, रिसर्च करना चाहते हैं कुछ भी नया जो आप जानना चाहते हैं वॉट एवर इट इज कोशिश करो उसके बारे में बात करने की लोगों से शेयर करने की अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने की बिकॉज आई एम डेफिनेटली सींग हीयर दैट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टू ओपन अप टू ओपन अप टू न्यू थिंग्स न्यू कनेक्शन न्यू रिलेशनशिप्स एंड एवरी थिंग जो आपको एज अ इंडिविजुअल ग्रो करने में मदद करे साथ, -साथ आपके इमोशनल साइड को एक uh, ओपन डोर मिले या एक बूस्ट मिले कि आप इमोशनली अपने आप को ओपन कर पा रहे हो क्योंकि आई फील लाइक आप लोगों में से बहुत लोग इमोशनली बहुत ज्यादा विद्रोन थे या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था ओके नाउ कमिंग टू योर करियर हियर साजेस आई फील लाइक दर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़ ठीक है आपके करियर में आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी सारे न्यू आइडियाज़ है जो आप अंजाम दे रहे हैं अब ये न्यू आइडियाज एक्चुअली वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए सो so, कोई भी चीज़ अगर आप एक नए तरीके से करना चाहते हैं कोई भी चीज़ अगर आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं या एकदम ब्रैंड न्यू एक आइडिया को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है साजेस। दिस इज़ अ टाइम जब आप अपनी क्रिएटिविटी को ओपन रखें जब आप अपने uh, आइडियाज़ पे ज़्यादा भरोसा करें अपने इंटुएशन uh, पे ज़्यादा भरोसा करें जब आपके करियर की बात आती है दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप लोगों को फॉलो करो ये वो समय नहीं है ये वो समय नहीं है कि आप यू uh, नो you know, आप किसी को फॉलो करो या आप किसी का यू नो बताया हुआ चीज़ें आग बंद करके करते रहो नहीं ये समय है लीडरशिप पोजीशन में रहने का आप इस आ, आपके लाइफ के लाइक आपका जो लाइफ है उसका ड्राइवर आप है आप इस गाड़ी को जिस दिशा दिशा में लेके जाएंगे ये वहीं पे जाएगा सो so, आपको वो लीडर बनना है आपको वो यू you नो know, आगे की सीट में बैठा हुआ आपको वो ड्राइवर बनना है आपको किसी को फॉलो नहीं करना है आपको पैसेंजर नहीं बनना है सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेंग आपके अंदर वो आइडियाज़ हैं वो पावर है मैनिफेस्टिंग पावर्स uh, है या आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं सारे चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इस वक्त अपने करियर को बेटर बनाने के लिए या अपने करियर को चेंज करने के लिए या कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लाने के लिए जो भी आप यहाँ पे बदलना चाहते हैं अपने करियर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में वो बदलाव बदलाव सिर्फ और सिर्फ आप ही ला सकते हैं वो कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा यूनिवर्स आपका साथ दे सकते हैं बट यूनिवर्स आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते यूनिवर्स आपके लिए डिसीशन या आइडियाज़ को आपके दिमाग में नहीं डाल सकते ये आइडियाज़ या एक्शन आपके होने चाहिए तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे तभी जाके ये ग्रोथ आपको दिखेगा नाउ आई कैन ऑल्सो टेल यू हीर दैट जब मैं आपके लव लाइफ पे आऊँ आई कैन अश्योर यू दैट फिलहाल आप लव में शायद उतने भी ज़्यादा फोकस्ड uh, नहीं हो क्योंकि या आई फील लाइक आप थोड़े से विद्रॉन अभी भी रहेंगे बट सिंस यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस भी थे और यहाँ पे पेज ऑफ सोट्स है मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा समय है जब आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं कि जहाँ पे आप बहुत ही लाइक like, विदड्रॉन uh, हो गए थे वहाँ से आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा सोशलाइज करेंगे आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा इस हर्मिट एनर्जी से बेसिकली बाहर आएंगे आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं कुछ नए रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं बट वॉट एवर इट इज़ मुझे जो दिख रहा है कि आप इमोशनली हंड्रेड परसेंट ओपन नहीं होंगे बट आप धीरे धीरे काइंड ऑफ इमोशनली आगे बढ़ रहे हो इतना मैं कह सकती हूं क्योंकि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा साइलेंट या विद्रॉन है मुझे लगता है लाइक like, इस पर्सन के साइड से भी कुछ खास एक्शन मूवमेंट नहीं है ये पर्सन एक्चुअली बहुत डिफेंसिव है लाइक like, आप कुछ भी इन्हें कहने जाते हो बोलने जाते हो ये मे बी कोई एक्सक्यूज़ खड़ा कर देते हैं ये मे बी अपने अपने आप को बचाने के लिए आपको कुछ बोल देते हैं या टॉपिक बदल देते हैं या एक ऐसा कुछ बोलते हैं कि घूम फिर के आपको लगता है कि आप ही का सारा दोष है आप ही ने सारा कुछ यहाँ पे किया है सो दिस इज साम्बरी जो बहुत डिफेंसिव है सो so, इस पर्सन को अभी आप कुछ बोल के या करके चेंज नहीं कर सकते या आप इन्हें कुछ समझा नहीं सकते क्योंकि इनका माइंड किसी एक ही एक ही ट्रैक पे अटका हुआ है तो so, इस पर्सन को समय देने के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चारा है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड या इस पर्सन को कुछ भी चेंज वगैरह करने करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है आपके लिए आप जो कर सकते हो इज आप अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो आप सोशलाइज कर सकते हो अगर आप सेपरेशन में हो या अगर आप किसी रिलेशनशिप से आउट आ चुके हो ऑलरेडी दिस इज़ अ टाइम कि आप फिर से शुरू कर सकते हैं यू नो अपना ऑप्शन आप ओपन रख सकते हैं इन दैट मैटर अगर आप चाहते हो बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आई फील लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो एंड इट्स जस्ट दैट आप अपने दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहते हो जिंदगी में विच इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सो जस्ट बी योर सेल्फ ठीक है सो दैट इज़ वट आई हैव फॉर यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा लगा हो तो जरूर बताना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हीयर एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाय